नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे बलेनो अल्फा मॉडल का। ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, और ये साथ में ये फ्रंट लुक है गाड़ी के। फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। फ्रंट में आपको क्रोम फिनिश वगैरह दी गई है ग्रिलों पे, और साथ में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं आपको इसमें। और साथ में ही माइलेज की बात कर ले तो आपको 21.4 KMPL की माइलेज मिलती है, और साथ में डीजल की माइलेज की बात करें तो 27.39 KMPL की माइलेज मिलती है। और ये फ्रंट लुक है गाड़ी की, और जिसमें कि आपको क्रोम फिनिश के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, साथ में इंडिकेटर और साथ में ही फॉग लैम्प वगैरह भी दिए गए हैं इसमें। और क्रोम फिनिश वगैरह और एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। साथ में एलईडी एलईडी मिलती है आपको इसमें, एलईडी हेडलैम्प मिलेंगे। और साथ में ही फ्रंट में आपको व्हीलों की बात कर लेते हैं तो साइड में आपको व्हीलों में 16 इंचेस के टायर मिलते हैं आपको, 16 इंचेस के। और ये साइड प्रोफाइल गाड़ी की, और साथ में ही ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। टर्निंग रेडियस की बात करें तो 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है आपको इसमें। और साथ में ही लेंथ की बात करें तो 3995 mm की लेंथ है। विड्थ की बात करें तो 1745 mm की विड्थ है, और हाइट की बात करें तो 1500 mm की हाइट मिलती है आपको। और ये साइड ये इंडिकेटर जो है, साइड मिररों पे इंडिकेटर दिए गए हैं। क्रोम फिनिश वगैरह हैंडलों पे मिलेगी आपको, साथ में ही टच बटन मिलेगा। क्रोम फिनिश डोरों पे भी मिलेगी देखने को आपको, और 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी आपको, 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको इसमें। और साथ में ये रियर लुक है गाड़ी का, रियर से भी काफ़ी अच्छा लुक दे रही है गाड़ी देखने में। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 8,34,000 एक्स शोरूम प्राइस है इसका, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 9,36,000 ऑन रोड प्राइस है इसका। और साथ में ही रियर लुक है गाड़ी की, रियर से काफ़ी अच्छा लुक दे रही है गाड़ी देखने में। हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ आपको ये डिफोगर वगैरह दिए गए हैं, साथ में रियर वाइपर भी आपको मिलेगा, और रियर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है इसमें क्रोम फिनिश के साथ। और साथ में ही आपको रियर पार्किंग सेंसर मिलेंगे बम्परों पे, रियर पार्किंग सेंसर बम्परों पे जैसे आप देख रहे हैं। और टेल लैंप कुछ ऐसे ही मिलेंगे, साथ में रिफ्लेक्टर दिए गए हैं बम्परों पे, ही रिफ्लेक्टर मिलेंगे आपको देखने में, रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। और ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, जिसमें कि आपको क्रोम फिनिश वगैरह मिलेगी देखने को। और सस्पेंशनों की बात कर लेते हैं तो मैकफर्सन इस टाइप मिलेंगे फ्रंट सस्पेंशन, और रियर सस्पेंशन की बात करें तो टॉरिजन बिम टाइप मिलेगा रियर सस्पेंशन आपको इसमें। और ये साइड प्रोफाइल में काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। और डोरों पे देख रहे हैं आप, क्रोम फिनिश वगैरह दी गई है डोरों पे, और साथ में डोर हैंडल भी आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। जैसा कि टॉप मॉडल गाड़ी है अल्फा मॉडल, इसमें 4 मॉडल आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा। चलिए बूट डोर खोल लेंगे। बूट स्पेस की बात करेंगे तो रियर पार्सल ट्रे के साथ आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है, 339 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा आपको इसमें। और साथ में ही लाइट वगैरह दी गई है नाइट में सामान वगैरह रखने के लिए, और कुछ टांगने के लिए स्पेस भी मिलता है आपको इसमें। और ये आपका स्पेयर व्हील, जिसे आप 80 की स्पीड से ज़्यादा ना भगाएं अगर आपकी गाड़ी पंचर वगैरह हो जाती है तो। और स्टील व्हील मिलेंगे जैसे आप देख रहे हैं, ब्लैक अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, स्पेयर व्हील आपको इसमें। रियर डोर के इंटीरियर में चलेंगे, और रियर डोर के इंटीरियर की बात करेंगे कैसा मिलता है आपको। रियर डोर का इंटीरियर क्रोम फिनिश वगैरह हैंडलों पर, और साथ में ही कॉटन फिनिश मिलती है। पावर विंडो मिलेंगे चारों डोर, सिल्वर फिनिश के साथ बोतल होल्डर, और साथ में स्पीकर। रियर डोर का इंटीरियर कुछ ऐसा मिलेगा, ऑल ब्लैक मिलेगा, और साथ में ही अपोस्ट्री भी काफ़ी अच्छी खासी अपोस्ट्री मिलती है आप सीटों की ब्लैक। और साथ में हेडों की बात कर ले तो रियर के सीटों के हेड एडजस्टेबल दिए गए हैं देख रहे हैं आप। ये आपकी टूल किट वगैरह है, और ये साइड डोर ट्रिम का लुक है, जैसा कि रियर डोर का इंटीरियर कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। चलिए मैं अब सीट पे बैठ जाता हूँ, और अपोस्ट्री की बात कर लेते हैं तो रियर सीट की अपोस्ट्री जो है ब्लैक मिलने वाली है। हेडों की बात करें तो एडजस्टेबल है, चारों सीटों के हेड एडजस्टेबल मिलते हैं आपको, वो अपने हेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, साथ में कुछ स्पेस, और अच्छा खासा लेगरूम मिलता है, लेगरूम की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्विफ्ट से भी अच्छा लेगरूम आपको इसमें
प्रोवाइड किया गया है कंपनी ने, और साथ में ही अच्छा खासा स्पेस मिलता है। साइड डोर ट्रिम पे जैसा आप देख रहे हैं क्रोम फिनिश वगैरह, सिल्वर फिनिश वगैरह मिलती है डोर ट्रिमों पे, साथ में स्पीकर वगैरह बोटल होल्डर का भी स्पेस चारों डोर ट्रिमों पर मिलेगा, साथ में एक ग्रिप असिस्टेंट वगैरह दिया गया है। और साथ में ही जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ, तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक देता हूँ। कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में? तो देख रहे हैं आप, ऑल ब्लैक मिलता है फ्रंट डैशबोर्ड, काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में फ्रंट डैशबोर्ड का। और चलिए अब हम फ्रंट डोर के इंटीरियर में चलेंगे और फ्रंट डोर के इंटीरियर की बात करेंगे, क्या क्या मिलता है आपको फ्रंट डोर के इंटीरियर में। ये टच बटन मिलेगा आपको हैंडल, और साथ में ही कॉटन फिनिश वगैरह दी गई है देखने में, और साथ में ही क्रोम फिनिश वगैरह, पावर विंडो चारों डोर मिलेंगे ऑटो के साथ कॉटन फिनिश के साथ, और साथ में ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं शीशों को और साइड मिररों को। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी दिए गए हैं, तो दोनों फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। साइड मिररों को राइट लेफ्ट एडजस्टेबल भी दिए गए हैं सिल्वर फिनिश के साथ, अच्छा खासा स्पेस बोटल होल्डर का और पेपर वर्क वगैरह रखने का भी स्पेस मिलता है, साथ में स्पीकर और साथ में ही पुश बटन स्टार्ट मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा क्रोम फिनिश के साथ, और साथ में ही साइड वेंट्स कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, और पार्किंग सेंसर वगैरह स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, साथ में ही हेडलाइट लाइटिंग के स्विचेस वगैरह दिए गए हैं कुछ स्पेस के साथ। और स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं अब, स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर ग्रिपिंग मिलती है, आपको लेदर की ग्रिपिंग मिलेगी स्टीयरिंग पे, और साथ में SRS एयरबैग के साथ एस्क्रोमोग्राम क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा, साथ में साइडों में भी क्रोम फिनिश इंसर्ट मिलेगी आपको, और साथ में ही ऑडियो कंट्रोल्स लेफ्ट साइड में ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ में ही फोनी कंट्रोल्स भी दिए गए हैं जिसमें आप फ़ोन को उठा सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ वगैरह वॉइस कमांड वगैरह दे सकते हैं। तो अच्छा खासा फीचर्स आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाता है ड्राइवर के सहूलियत के लिए, और टिल्ट स्टीयरिंग का भी ऑप्शन इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है, टिल्ट स्टीयरिंग जैसा कि आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ में टेलीस्कोपिक भी दिया गया है स्टीयरिंग, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। देख रहे हैं आप स्टीयरिंग व्हील को अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे और नीचे ऊपर, और दोनों ही फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं, टिल्ट और टिल्ट स्टीयरिंग और टेलीस्कोपिक दोनों फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, और साथ में हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं राइट साइड में, ऑटो हेडलैम्प मिलेंगे, ऑटो हेडलैम्प आपको मिलते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं, साथ में ही लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं। और MID की बात कर लेते हैं, तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको 220 की स्पीड दी गई है, और साथ में ही आपको छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, जो आपको डोर वगैरह कोई भी डोर खुला होगा तो आपको इसमें शो करेगा मीटर में, कोई भी डोर खुलते हैं चारों में से तो शो करता है, और फ्यूल वगैरह बताएगा, किलोमीटर बताएगा, और छोटा सा RPM मीटर भी दिया गया है। लेफ्ट साइड में देखेंगे आप तो कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं, और हीट और कोल्ड दोनों ही कंडीशन आपको इसमें शो करेगा, दोनों ही कंडीशन शो हो जाएगी इसके अंदर, और साथ में ही सेंटर वेंट्स कुछ ऐसे मिलेंगे सिल्वर फिनिश के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, और टच स्क्रीन 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, साइडों में भी क्रोम फिनिश मिलेगी देखने को आपको इसमें, जिसमें कि एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले वगैरह और ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें आप इसमें प्ले कर सकते हैं, ब्लूटूथ वगैरह वॉइस कमांड वगैरह सारी चीज़ें आपको सपोर्टेड मिल जाती है, नेविगेशन वगैरह भी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है, एक छोटी सी चिप जलेगी जो आपको अच्छा खासा फीचर्स मिल जाता है, और साथ में ही ऑटो AC मिलता है आपको, ऑटो AC मिलेगा ऑटो AC, और साथ में ही साइड वेंट्स कुछ ऐसे मिलेंगे, और साथ में SRS एयरबैग भी दिया गया है साइड वेंट्स के साथ, ग्लो बॉक्स का अच्छा सा स्पेस ही मिलेगा आपको उसमें, और साइड डोर ट्रिम का लुक है को ड्राइवर साइड का, और साथ में जिसमें कि आप सिल्वर फिनिश वगैरह हैंडल ब्रेक क्रोम फिनिश वगैरह मिलेगी, और साथ में ही स्पीकर वगैरह, और साथ में ही बोटल होल्डर का स्पेस जो कि आपको चारों डोर ट्रिमों पर मिलता है, और साथ में ही टूटर मिलेंगे दो, लेफ्ट और राइट में भी दो टूटर दिए गए हैं, ये देखिए राइट में भी टूटर, तो दो टूटर मिलेंगे आपको चार स्पीकर के साथ, और साथ में ही आपको 12 वोल्ट का सॉकेट के साथ USB ऑक्स के पोर्ट भी दिए गए हैं, और अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको, देखिए कंसोल पे कप होल्डर वगैरह दिए गए हैं, और आपको कुछ ऐसी की मिलेगी, रिमोट की मिलती है आपको इसमें, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, साथ में गियर लीवर कुछ ऐसा ही मिलेगा जिसमें कि आप
रिवर्स पार्किंग, न्यूट्रल, डी यानी ड्राइव, एल यानी लोड, तो सारी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और ये हैंड ब्रेक लीवर कुछ ऐसा ही मिलेगा। साइडों में आपको सिल्वर फिनिश वगैरह दी गई है। फ्रंट में सनवाइज़र जो कि आपको वेनेट्री मिरर के साथ दिया गया है, साथ में लाइटें भी इसमें प्रोवाइड की गई हैं। लाइटें भी देख रहे हैं आप वेनेट्री मिरर के साथ, और साथ में ही डोर पार्टीशन में रीडिंग लैंप वगैरह, और साथ में ही IRVM ऑटो मिलता है आपको इसमें। IRVM जो है ऑटो मिलेगा आपको, और साथ में ही को ड्राइवर साइड वेनेट्री मिरर के साथ आपको लाइटें भी दी गई इसमें देख रहे हैं आप, और साथ में ग्रिप असिस्टेंट वगैरह। चलिए अब हम इंजन रूम में चलेंगे और इंजन रूम की बात करेंगे। तो 1197 cc का इंजन मिलता है आपको इसमें, और जो काफ़ी बेटर है 1197 cc का इंजन, जिसमें कि आपको बैटरी वगैरह, फ्यूज बॉक्स वगैरह, साथ में ही आपको एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी दिया जाएगा। सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयर बैग के साथ एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें बैटरी वगैरह, फ्यूज बॉक्स वगैरह, 1197 cc का इंजन मिलता है। चलिए अब पावर की बात कर लेते हैं। तो अच्छी खासी पावर मिलती है, 83 BHP की पावर मिलेगी आपको एट द रेट 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 115 Nm की टॉर्क मिलती है आपको 4000 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।